Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this uh, this class that we are going to discuss today is specially designed for developed class students. So, dear students, we have been doing uh, a lecture series on the role of missionary schools in Jammu and Kashmir, where we have discussed uh, Bisco School, and then there we discussed it about uh, Sirajul Ulum. Uh, then we discussed. Uh, other uh, schools as well, and today we are going to discuss about the uh, Sharp Committee Report uh, in nineteen hundred sixteen. Oh. So, dear students, this is a very important question that may be asked in your uh, in your examination. I do request to you, so please give attention towards it so that uh, you you will understand it better. So, I will try to switch in Urdu so that you may understand it better, dear students. महाराजा प्रताप सिंह जो हमारे यहाँ कश्मीर के एक वक्त के बादशाह थे 1916 में आ, उसने दिल्ली में एक कानफ्रेंस हुई थी तो आ, तो उसमें ये उस कान्फ्रेंस में ये देखा गया कि एजुकेशन जो एजुकेशन सिस्टम जो कश्मीर में बहुत बहुत वीक है वीक है हो चुका है, है खासकर कर मुसलमानों में खासकर मुसलमानों में तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो इस पर एक कमेटी दिल्ली में बनाई गई तो इसकी सदार हेनरी शाहरुख कर रहे थे जो एक अंग्रेज़ थे उन दिनों वो एजुकेशन कमिश्नर भी थे तो महाराणा प्रताप सिंह ने उसे कश्मीर बुलाया उसे यह कहा कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि जो मुसलमानों को एजुकेशन नहीं मिल रही है मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या मुसलमानों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती हैं तो उसने विलियम शाहरुख को विलियम शाहरुख को यहाँ बुलाया और उससे बताया कि आप देखिए कि आप यहाँ सर्च कीजिए सर्च कीजिए और देखिए कि कौन सी डिमांड्स है कौन सी ग्रीवियसिस हैं जिससे हम जिसका हम अजाला कर सकें बाद में तो उसने फिर यहाँ देखा वजीम शारम ने यहाँ गाँव गाँव देखा गाँव दे, गाँव में देख फिर और देखा कि उसने बाद में जो रिकमेंडेशनस दी वो ये हैं नंबर वन उसकी रिकमेंडेशन थी इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ स्कूल्स तो विलियम शारम ने देखा कि हमारे यहाँ स्कूल्स हैं वो बहुत कम हैं उसने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स हर जगह खोलने चाहिए खासकर जिस गांव में 500 सौ के करीब लोग रहते हों वहां पर एक स्कूल का खुलना ज़रूरी है दूसरी चीज दूसरी चीज उसकी रिकमेंडेशन थी सर्विस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स उसने कहा कि मिशनरी स्कूल्स खोलने चाहिए खासकर जो मशनरी लेडीज़ हैं उनकी खिदमत लेनी चाहिए ठीक है ताकि वो मुसलमानों को पढ़ा सकें तीसरा चीज़ था लिबरल ग्रांट्स उसने कहा था कि लिबरल ग्रांट शुड बी गिवन टू तो द तो मुस्लिम स्टूडेंट्स यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स को ग्रांट मिलने चाहिए खासकर प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी लेवल पे कॉलेज लेवल पे इन बच्चों को ग्रांट मिलनी चाहिए ताकि वो अपने एजुकेशन को आगे ले सकें क्योंकि उन दिनों यहाँ पर ज़्यादा गरीब ही लोग रहा करते थे तो मुसलमान बहुत ही पिछड़ा तबका था चौथा था इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स दूसरा चौथा चीज़ ये था कि मुसलमान बच्चों के अंदर उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए खासकर कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या आ, या प्राइमरी स्कूल पे या और जगह पर खासकर उसने कहा कि अनाज कुछ अनाज ये इस आना इस वन खासकर प्राइमरी स्कूल में बच्चों को देना चाहिए ताकि वो बेचारे बुक खरीद सकें या स्टेशनरीज के या पेन कलम वगैरह ख़रीद सकें ताकि वो अपने एजुकेशन को आगे जारी रख सकें तीसरा चीज़ ये था कि वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए उसने कहा कि हाँ कश्मीर में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरत है तो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना ज़रूरी है जहाँ पर लोग टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें तो इस तरह से अमर सिंह कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन खोला गया जहाँ पर मेडिकल या मैकेनिकल एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर स्कूल्स खोले गए तो जन पर जहाँ पर बच्चे लोग कारपेंट्री सीखते थे या बास्केट वीविंग या हॉर्टिकल्चर या सिलिक वार्म ब्रीडिंग या कैटल ब्रीडिंग इस तरह के स्किल्स यहाँ पर शुरू हो गए ठीक है उसने कहा कि ये यह शुरू होने चाहिए ठीक है छठा है छठा उसने रिकमेंडेशन प्राइमरी स्कूल फार गर्ल्ज यानी उन दोनों भी यहाँ कश्मीर एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिए जाती उसने कहा कि खासकर लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोलना जरूरी है ख़ासकर श्रीनगर के मजाफात में प्राइमरी स्कूल फार गर्ल्स खोलना जरूरी है ठीक है चौथा है गर्ल्स टैक कंपनी इस्तेमाल ब्रदर्स तो ने ये भी कहा कि अगर गर्ल्स स्कूल आती हैं तो ये एक खास रिकमेंडेशन थी कि वो अपने छोटे बच्चों को छोटे भाइयों को साथ ले आए अगर बच्ची स्कूल जाती है उससे भी उससे ये रिकमेंडेशन थी कि अगर कोई बच्ची स्कूल जाती है तो उसका अगर घर में छोटा बच्चा हो घर में छोटा बच्चा